मुझे याद है, मैं अभी वीडियो दिखा रही थी, उसमें उसका उल्लेख था। 91-92 मैं श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए मेरी पार्टी की तरफ से एकता यात्रा की योजना हुई थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में वो यात्रा चल रही थी और मैं उसकी व्यवस्था देखता था। जाने से पहले मैं प्रमुख स्वामी जी के आशीर्वाद लेके गया था, तुमको पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हम पंजाब से जा रहे थे तो हमारी यात्रा के साथ आतंकवादियों की भीड़ हो गई, हमारे कुछ साथी मारे गए। पूरे देश में बड़ी चिंता का विषय था कि गोलियां चली, काफी लोग मारे गए थे। और फिर वहीं से हम जम्मू पहुंच रहे थे, हम श्रीनगर लाल चौक तिरंगा झंडा फहराया। लेकिन जैसा ही मैंने जम्मू में लैंड किया, सबसे पहला फोन प्रमुख स्वामी जी का। और मैं कुशल तो हूं ना, चलिए ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें, आओगे तो फिर मिलते हैं, सुनेंगे तुमसे कुछ क्या हुआ। सहज सरल, मैं मुख्यमंत्री बन गया। अक्षरधाम के सामने ही 20 मीटर की दूरी पर मेरा घर, जहां सीएम निवास था, तो मैं वहां रहता था। और मेरा आने जाने का रास्ता भी ऐसा कि जैसे ही निकलता था तो पहले अक्षरधाम शिखर के दर्शन करके ही मैं आगे जाता था। तो सहज नित्य नाता